हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आज मैं उस काम के लिए जा रही हूँ जिसके लिए मुझे अपना दिल बहुत मजबूत करना पड़ा है ना, और दिल पे कहीं ना कहीं पत्थर भी रखने पड़े कि हाँ, ये काम करना ज़रूरी लग रहा है और आप अब ये काम किए बिना कुछ होगा नहीं है। तो जब काम हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मैं किस काम के लिए गई थी, है ना। तो काम होने के बाद मिलते हैं आपसे। तो पता है फ्रेंड्स, मैं किस काम के लिए गई थी? मैं गई थी अपने हेयर कट कराने के लिए। तो आज मैंने एकदम पक्का इरादा बना लिया था कि मैं हेयर कट करा ही लूँगी। बस रीज़न क्या हुआ कि उसने बोला कि आपने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई है तो आपकी यहाँ तक की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ तक लेंथ कम होने का मतलब है आपके बाल यहाँ तक रह जाएंगे। तो वो मैं नहीं चाहती थी, उतने छोटे हेयर्स बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैंने कहा था छोटे छोटे अगर ट्रिम हो जाए तो भी चलेगा। तो बस दुख हुआ है ना, जिस काम के लिए आप जाओ। बहुत आज तो मतलब हो गया था कि बिल्कुल मन पक्का करके गई थी कि मैं बाल कटवा के आऊँगी, क्योंकि वही होता है ना, सेम हेयर स्टाइल से इंसान बोर हो जाता है, अब कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। खैर, एक अच्छी चीज़ मैं लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैं क्या लेके आई हूँ, है ना। बेल है और ये पका हुआ बेल है और इसका शरबत बहुत अच्छा होता है और इसका हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और पेट के लिए खास तौर पे इसका शरबत बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब पता है तुम सो के उठे हो, अब इनके सोने का टाइम है, और कि ऊपर सोने का टाइम है। 1 बजे अब इनके सोने का टाइम है। सुबह 8 बजे उठ गए थे, ठीक हाँ है, और ऊपर वो आवाज आ रही है, वो जो घिसाई हो रही है ना घर में हाँ फ्लोर की, उसके डिस्टरबेंस से अब ये सो नहीं पा रहे हैं। इतना थोड़ी इनको फर्क नहीं पड़ता नहीं है। इनको साउंड स्लीप वाली प्रॉब्लम है। बस मैं आलू छीलने लगी, मैंने कहा आज कटलेट ही बना देती हूँ, है ना। आलू छीले बॉयल रख रखे हुए थे तो मैंने कहा छील लेती हूँ। खैर, आज एक चीज़ मुझे नहीं पता लगी कि उसने बोला कि मैम आप ना बालों को थोड़ा लूज़ करके बांधा करो। आप बालों को एकदम पीछे से टाइटली टाई करते हो जिससे कि आपका जो फोरहेड है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिखता है। तो खैर, लूज़ बांधने में भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, पर क्या करें। क्या बन रहा है अम्मा आज? कटलेट आज पता है मैं पूरा उसका ना पूरा बता ही रही हूँ कैसे बनाना है। पहले मैंने चिली डाला है, फिर आमचूर पाउडर, क्योंकि क्या होता है ना, मिट्टी और पापा को लगता है ना कि हम लोग खा रहे हैं उनको, मतलब उनके कुक को आता नहीं बनाना। खुद बना ले मतलब। हाँ, मतलब कुक से भी बनवा ले। फिर आप धनिया डाल दो, ठीक है। अब मेरा व्रत वाला नहीं है तो क्या है, मेरे पास ये ब्रेड पड़ी थी ना, तो ब्रेड क्या होता है, इसकी नमी को, मॉइस्चर को ना सोक कर लेता है, अच्छा के ठीक है, साबूदाने के। मतलब आलू के मॉइस्चर को, अच्छा ठीक है। तो थोड़ा ब्रेड भी डाल सकते हैं, क्योंकि व्रत नहीं है इसलिए मैंने इसमें ब्रेड भी डाल दिया। तोड़ के। हाँ, और मोस्ट आज देखो रोहन, ये मेरा टूट गया, देखा तुमने। हाँ पिछले आपके ब्लॉग में देखा मैंने। अब इसमें आप जितना भी वो खाते हो, अच्छा ये पिंक सॉल्ट है, सेंधा नमक यूज करती हो ना, तो सेंधा नमक ज्यादा जाता है सबसे। सेंधा, आप सेंधा नमक यूज करते हो? हाँ, सेंधा नमक वो होता है ना जो व्रत में होता है। व्रत में खाते हैं, तो अब मैं वही यूज ही करती हूँ। अब इनको मैश कर रही हूँ। हाँ, पता है अब बस रोहन, इसे फ्राई करना है। अब इसे ना आप दो शेप में कर सकते हो, राउंड शेप में, ठीक शेप तो है, कोई भी टिक बना नहीं, लो। टिक्की भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो। साबुदाने की टिक्की भी बनती है। हाँ, पर मुझे लगता है ये शेप में ना ज्यादा टेस्टी लगता है, मतलब एक अभी तो कटलेट फ्लफी, हो गया, वो तो टिक्की रह हाँ गई नहीं, है। उसमें क्या होता है फ्लफीपन नहीं आता है, इसमें थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है ना, बीच बीच में एयर हो जाती है, तो ये ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मिठी अब तुम सीख जाओ बेटा। हाँ, अपने कुक को भी सिखा मैं देना। यहाँ कितने साल रही हूँ? दीदी हाँ दीदी यहाँ पे रही है 5 6 साल, हमारे साथ कितने साल रही हैं? 6 साल, हमारे साथ मतलब यहाँ जब से अम्मा पैदा हुई हैं शी इज 20 ना। तो 18 साल रही होंगी यहाँ। तो 18 साल में जो चीज़ नहीं सीख पाई वो आपको देखो क्या लगता है होता व्लॉग है, देख देख के सीख जाएंगी? नहीं जब इंसान को रियलाइज होता है ना तभी सीखते हैं। मेरे को भी क्या था, मैं शादी से पहले कहाँ सीखती थी, कुछ नहीं सीखती थी। आपके टाइम तो व्लॉग भी नहीं होता था। हाँ, पर ठीक है, हम लोग की जरूरत थी, हमने सीख लिया। और सबसे ज्यादा पता है कि मैंने क्यों कुकिंग सीखी, पापा की वजह से। पापा की वजह से। पापा बहुत शौकीन थे खाने के।
और बनाने की बिल्कुल भी नहीं। नहीं पापा खाना जब बनाते लेकिन अच्छा बनाते हैं पापा काफी। मैंने आज तक उनके हाथ का बनाया मैंने कुछ तो खाया भी है नहीं काफी है। मैंने पापा के हाथ से बिरयानी खाई है। उनके हाथ का मैंने ऑमलेट खाया है अच्छे बनाते हैं। हाँ लेकिन वो 2 घंटे में मिला था। मतलब अब इत्मीनान से बनाते हैं बट पापा बहुत उससे शिद्दत से काम करते हैं। इमेजिन कर सकते हो ऑमलेट 2 घंटे में मिला था। वो जो भी है पापा बहुत शिद्दत से काम करके बनाते हैं। एक्चुअली पता है उनके साथ क्या है जब वो बनाते हैं तो सबसे पहले तो बर्तन पूरे क्लीन करते हैं फिर उनके हिसाब से ना किचन उतनी साफ नहीं होती फिर वो किचन भी पूरी साफ करते हैं है ना। वही तो अच्छे शिद्दत से काम करते हैं पापा। तो मुझे लगता है कि उनका ब्रेकफास्ट ही एनफ है ना। लंच डिनर तो मैंने तो खाया है बहुत टेस्टी बनाया था। रोहन ये मैंने फ्राई कर दिया है ठीक है। तेल वाला काम तुमसे नहीं करा रही हूँ और ये कढ़ाई मत छूना ठीक है। और चाय जो अच्छा, है उसमें हाथ नहीं डालना मुझे उसे छूना मत गलती से भी इसे टच मत कर लेना ठीक है। और ये चाय मेरे लिए ले आना मेरे में शुगर फ्री डाल लेना अपने में शुगर डाल लेना। गुड नाइट फ्रेंड्स कल मिलते हैं आप लोगों से। क्या हो क्या गया इसे SHM कर रहा हो 11th 12th वाले समझेंगे नॉन मेडिकल वाले। अरे सिंपल हार्मोनिक मोशन सब समझते हैं ठीक है। नहीं मम्मा आपने भी नॉन मेडिकल की इसलिए आपको पता है बाकी समझेंगे। पर ये हिल क्यों रहा है 8 फीट तो आ नहीं रहा है। वही तो बता रहा हूँ मैंने वो कप हटाई ना उससे निकाली। अच्छा ठीक ना अम्मा इसकी ना इसकी और टिक टैक की मैं कोई भी जिनमें ऐसे ऐसा होता है उनकी एक ट्रिक होती है मैंने उस पर देखी थी 5 मिनट क्राफ्ट देखना पहले ऐसे उल्टा करके ऐसे ऐसे ला इधर करो भाई बेइज्जती नहीं मत करा ना। देखो देखा हाँ। मुझे लग रहा है ये जनरेशन थोड़ी स्मार्ट है पता है अपने फंबल अपने फंबल्स को भी बड़े अच्छे से छुपा लेती है। बेल टूटने के बाद ये ऐसा होता है ठीक है। तो बस अब इसका गूदा निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ इसका शरबत कैसे बनाते हैं। तो मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिया है क्योंकि इतना एनफ है एक ग्लास शरबत के लिए। तो बस अब इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर डिसॉल्व करती हूँ। तो बस अब प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा इस प्रोसेस के लिए ना हाथ बहुत अच्छे से साफ करेगा क्योंकि आप हाथ से मसलते हैं जिनको ग्लव्स से कम्फर्टेबल है वो ग्लव्स से कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मसलना है क्योंकि इसमें सीड्स भी होते हैं फिर आप इसको स्ट्रेन कर लोगे। अगर आप चीनी खाते हो तो आप चीनी इसमें डाल सकते हो लेकिन मैं थोड़ा ना शुगर अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरी जेनेटिक में है पापा को शुगर था तो हम लोगों को भी होने के मतलब चांसेस हैं तो शुगर मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। ये देखिए ये ना ऐसे हो जाएगा। खैर इसमें ज़्यादा सीड नहीं है तो के सीड्स बहुत कड़वे होते हैं तो सीड्स बिल्कुल भी मत खाना। स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। इसका स्ट्रेनिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें पल्प होता है वो स्ट्रेनर से ज़्यादा नहीं है, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा मोटा स्ट्रेनर लेना पड़ेगा और वो मेरा टूट चुका है तो बस मैं छान करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये मेरा बेल का शरबत तैयार हो गया है और इसमें लिटिल बिट मैंने सिनेमन पाउडर डाला है देखिए ये। और इसमें आप शुगर डेफिनेटली ऐड कर सकते हो लेकिन ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है तो उसके हिसाब से मैंने उसे हेल्दी बनाने की कोशिश की है। और ये हल्का सा काला नमक डाला है क्योंकि वही है ना कि थोड़ा अगर स्वीट ना हो तो थोड़ा सॉल्टी टेस्ट भी अच्छा लगता है। खैर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। और एज यूजुअल मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बेल का शरबत बनाया था। रीज़न कुछ भी नहीं है लेकिन अब मैंने जैसे आपने पुराने व्लॉग्स देखे होंगे मेरे तो मैं अब चाय को रिप्लेस कर रही हूँ तो चाय के रिप्लेसमेंट के लिए कुछ हेल्दी वर्जन ही चूज़ करूँगी। तो जैसे बेल का शरबत है नींबू पानी है जिसमें मैं शुगर बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ कोकोनट वाटर है ना क्योंकि अब हम लोग जो जो भी मतलब हम में से 40s में जा रही हैं तो उनको अपनी हेल्थ के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए। इवन अब तो टाइम ऐसा है कि हर एज में आपको हेल्थ का बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप देखो हार्ट अटैक्स और ये सब आजकल अर्ली 30s में भी हो रहे हैं ना। तो इस समय हेल्थ इज़ वेल्थ वाली जो हमने बचपन में पढ़ा था ना हेल्थ इज़ वेल्थ
तो अब वही कंडीशन आ गई है, तो अपनी हेल्थ पे ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। अच्छा, व्लॉग ख़त्म करने के पहले मैं एक चीज़ और आपके साथ ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, आप हेल्दी चीज़ों में टेस्ट को मत इंक्लूड करिए। हेल्दी चीज़ें मतलब बहुत टेस्टी नहीं होती हैं, जैसे ये बेल का शरबत बहुत टेस्टी नहीं है। आप कोल्ड ड्रिंक के कंपेयर में जाओगे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, लेकिन धीरे 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 आपका टेस्ट इसमें ज़रूर डेवलप होगा, क्योंकि मैंने बचपन में पिया था तो मुझे इसका टेस्ट पता है। लेकिन होता है ना कि जब आपका शरीर थोड़ा साथ देना कम करता है, तब आप सोचते हो कि व्हाट इज़ बेटर फॉर यू। तो इससे पहले ही कि जब आपका शरीर आपको जवाब दे दे, आप उससे पहले ही जाग जाओ और सोचो कि हाँ, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो टेस्ट पे मत जाइए, हेल्थ पे जाइए। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जो लोग कमेंट करते हैं और देखते हैं, उनका दिल से शुक्रिया। बाय बाय।